चाहे जितनी भी नजरें चुरा लो, हम अच्छे से जानते हैं कि तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो। हे भगवान, कहीं शक्ति ने हमारी और बड़े ठाकुर की बातें तो नहीं सुन ली? तुम्हारा ये दोहरा खेल समझ गए हैं। अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए शक्ति ठाकुर। अब अपने आप को हमें तुमसे बचाना है। तुम्हें क्या लगा कि तुम गर्व से अपनी नजदीकियां बढ़ाओगी तो हम जल भुन जाएंगे? आप ये बोलने के लिए यहां पर आए हैं? वैसे आजकल कुछ ज्यादा ही तारीफ करने लगा है आप हमारी, तो आपकी जानकारी के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर इस धरती पर आप आखिरी मर्द भी होते ना, तो हमको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। और आपको लगता है कि आपको जलाने के लिए इतनी मेहनत करेंगे आप, और वो भी गर्व ठाकुर जैसे भले इंसान का सहारा लेकर? अच्छा, डायलॉग बहुत अच्छा है, लेकिन याद रखना, बहुत जल्द तुम्हारा ये नक्का तार कर फेंक देंगे हम। अच्छा, तो आज से उस दिन का इंतजार करते हैं। तब तक आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करते हैं, तो देखते हैं ईश्वर ने किसकी किस्मत में क्या लिखा है। वैसे गुड लक। बड़े ठाकुर, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? सब ठीक तो है ना? भावना फोन नहीं उठा रही है। हमें लगता है कि हमारे आदमियों ने पकड़ लिया है उसे। बड़े ठाकुर, ऐसे कैसे? घबराओ मत, भावना के पास ही जा रहे हैं, सुबह से पहले आ जाएंगे। बड़े ठाकुर, जैसे भावना मिल जाए आप हमें एक फोन कर दीजिएगा। खाना बनाना आता है तुम्हें? मालकिन, आप तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। और क्या क्या काम आता है? नाच लेते हैं। What do you mean? बिल्कुल ऐसे ही हमको चोट लगी। जब तुम्हारे बेटे ने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और तुम्हारी बेटी ने उसकी मदद की। मैं तो सारी जिंदगी भगवान को मानती रही, लेकिन फिर भी इस घर ने कितना कुछ झेला। अब भले ही तुम लोग इसे अंधविश्वास मानो, लेकिन मैं नहीं चाहती अब इस घर में कोई भी बुरी शक्ति रहे। अरे मैं तो सामने सवाल, इस तरह छुप के वार करने में कोई बरतानगी नहीं है।